सभी भक्तों को जय झूलेलाल। विजय सिंधी सेवा मंच द्वारा लगातार तीसरे दिन भी जीवों की सेवा की गई। साथ में बगैर मास्क में घूमते लोगों को मास्क वितरण किया गया एवं जो पशु थे गौ माता थी उनको रोटी खिलाया गया एवं कुत्तों को बिस्किट दिया गया एवं जो जली जीव थे उनको ब्रेड खिलाया गया, रोटी खिलाया गया। तो इस प्रकार हमारा क्रम जो तीसरा लॉकडाउन का तीसरा दिन भी जारी रहा और आज भी हम तुम अच्छे महावीर नगर, बसंत विहार और अमलीडी एरिया में कई जगह जा के मतलब दूर से अपन देते हैं लोगों को भोजन और व्यवस्था जो भी अच्छा अच्छे से हम देते हैं ताकि जो बेजुबान पशु हैं उनको भी पेट भरे। जय झूले लाल, जय माता शारदा। समाज सेवी प्रतीक राजगौरी, कुणाल चंद्राकर, पलाश अडवाणी, महेश रामानी जी, पप्पू हीरा नंद जगवानी जी, प्रशांत राजगौरी जी, आप सभी को दिल से साधुवाद है जो इस सेवा में कार्यरत हैं एवं कार्य कर रहे हैं। तो हमारे ये जो हिंदू सिंधी युवा मंच है उसके द्वारा यह सेवा कार्य जारी है और निरंतर अभी चलते रहेगी पूरे लॉकडाउन तक। तो हमारा फर्ज यही है कि लोगों तक जो भूखे प्यासे हैं उन तक भोजन पहुँचे। और आज झूले लाल जी का दिवस है उसके लिए सभी को खूब खूब अवतरण दिवस पर खूब खूब बधाइयाँ। सबको जय श्री राम, जय झूले लाल। तो झूले लाल जी ने सिंधी समाज की रक्षा के इसको तो इसको लिए नहीं मिला है। प्रकट हुए। लगभग 40 दिन तक सिंधी भाई लोगों ने प्रार्थना किया समुद्र में जाके जिससे कि झूले लाल जी प्रकट हुए और उनकी रक्षा किए। तो ऐसे महान महापुरुष जो भगवान स्वयं झूले लाल हैं वो प्रकट होके जब जब पाप बढ़ जाते हैं तब तक भगवान प्रकट होके निराकार से साकार में आके भगवान के रूप में अपने भक्तों को की रक्षा करते हैं और देश समाज को नए ज्ञान और धारा देते हैं। तो ऐसे संत महापुरुषों को सदा ही प्रणाम है और उनकी भक्तगणों को भी प्रणाम है क्योंकि भक्त हैं तभी भगवान है। भक्त पुकारेंगे नहीं तो भगवान कहाँ से आएंगे। तो इसलिए भक्त बोलते हैं ना कि भक्त मेरा मुकुटमणि, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो भक्तों की रक्षा भी जरूरी है और संतों की रक्षा भी जरूरी है क्योंकि संतों की रक्षा से ही संस्कृति की रक्षा होती है। तो जब जब पाप का घड़ा भरता है यदा यदा ही धर्मस्य सर्वगलानि भारत, तब तक महापुरुषों का जन्म होता है। जय झूलेलाल, जय श्री राम।